कंगना रनावत के खिलाफ 156 दिन का प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया, क्योंकि कंगना रनावत ने सिख समुदाय को खालिस्तानी आतंकवादी करके ट्वीट किया था और ये कहा था कि इंदिरा गांधी के समय जब इंदिरा गांधी के समय में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी उन्होंने सिख समुदाय को मच्छरों तरीके जूतों से मसल दिया था, जिस पे सिख समुदाय रुष्ट होकर रणजीत सिंह खालसा मेरे पास आए, 156 का प्रार्थना न्यायालय में दाखिल किया, जिस पर न्यायालय CMM कानपुर नगर द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज कर लिया गया, जिस पे 30/4 को रणजीत सिंह खालसा के बयान न्यायालय में दर्ज होंगे। मेरा नाम रणजीत सिंह खालसा, गोविंद नगर निवासी, कानपुर यूपी का निवासी हूँ मैं, लेबर कॉलोनी का। और जिस प्रकार कंगना रनौत ने 20 नवंबर को एक इंस्टाग्राम पे ग्राम डाला था कि सिख कौम को सन 84 के मौजूदा प्रधानमंत्री ने अपने पैरों के नीचे मच्छरों की तरह मसल दिया, वो एक आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं। इस बात को सुनकर मेरा मन बहुत आहत हुआ। जिस तरह उन्होंने ये बात कही, क्योंकि उस बात को सुनते सार पढ़ते सार मेरे मन में वो मंजर फिर दोबारा नज़र आने लगा, क्योंकि मेरे घर के सामने ही सिख परिवार रहता था, उनको घर से बाहर घसीट के लाए, उनके गले में टायर डाल के आग लगा दी गई और साथ ही में GT रोड है गाड़ियों में खड़ी में आग लगा दिया गया। ये मंजर मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ, वो मंजर उन्होंने एक तरह से हरे जख्म कर दिए हम लोग के। इस बात को लेके मैं थाने गया था, थाने मैंने अपनी बात रखी, एक तहरीर दी उनको, उन्होंने वो तहरीर 26/11 को ले ली थी और उसके आगे कोई प्रतिकरण नहीं किया, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। मैं काफ़ी देर इंतजार करता रहा, काफ़ी दिन इंतजार किया मैंने, उसके बाद मैं न्यायालय पालिका में पहुँचा, वहाँ मैंने अपने जज साहब ने पूरी बात रखी वकील के माध्यम से और इस प्रतिकरण को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने 30 मार्च को परिवारवाद दाखिल किया और इस कार्य को आगे बढ़ाने की चेष्टा की है कि इस कार्य को अच्छी तरह हो जाए। क्या उम्मीद रखते हैं आप? उम्मीद करता हूं, मुझे उस परमात्मा पर पूरा विश्वास है और दूसरा उस न्याय पालिका पर पूरा पूरा विश्वास है कि मुझे उस न्याय पालिका से पूरा पूरा इंसाफ मिलेगा और सिख कौम को मिलेगा। और एक बात और मैं आपको संज्ञान में डाल दूं, अभी तो केस आगे बढ़ा है तो मेरे पास एक दो टिप्पणियाँ ले फ़ोन भी आए, उन्होंने कहा कि इसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपका बहुत गलत काम हो जाएगा, तो मैं उनको संज्ञान में डालना चाहता हूं, तो ये भाजपा सरकार है और आदित्यनाथ योगी जिसके मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने हमेशा सिख कौम का साथ दिया है और ये सरकार और आदित्यनाथ योगी जी हमारा पूरा साथ देंगे और मुझे पूरा विश्वास है हमेशा हम लोग के साथ रहे और किसी प्रकार का हम लोग के साथ गलत नहीं होने देंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।